इसी बीच यूपी सरकार ने कई बड़े फैसले भी लिए हैं। वित्त विभाग ने शासनादेश जारी किया है, निर्णय बहुत सारे लिए गए। कोरोना काल में सरकारी खर्च में कटौती की जाएगी। यूपी सरकार ने कोरोना के इस काल में कई बड़े निर्णय लिए हैं और वित्त विभाग ने शासनादेश जारी किया है। वित्त विभाग ने कई निर्णय लिए हैं जिसमें सरकारी खर्च में कटौती की गई है। जो सरकारी खर्च है उसको कम करने से, जो भार पड़ता है, अतिरिक्त भार पड़ता है, उसको कम करने की कोशिश है। नई भर्तियां ना करने का फैसला लिया गया है, पहला। दूसरा, कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी, ये निर्णय लिया गया है। गैर जरूरी सरकारी निर्माण काम नहीं होगा, जो गैर जरूरी रेनोवेशन और दूसरे तरह के काम होते हैं जो जरूरी नहीं है वो नहीं होंगे। सरकारी बैठकों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें होंगी। सरकारी आयोजन न करने का फैसला लिया गया है। कर्मचारियों और अधिकारियों के कई भत्ते रद्द कर दिए गए हैं। अवकाश यात्रा सुविधा फिलहाल नहीं मिलने वाली है। यात्रा भत्ता, ट्रांसफर भत्ता, ये खर्च फिलहाल रोक दिया गया है। तो यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा, ट्रांसफर यात्रा खर्च नहीं मिलेगा। सरकारी सम्मेलन और सेमिनार जो होटलों में होता था, बड़े बड़े होटलों में होता था, वो फिलहाल नहीं होगा। तो ये निर्णय लिया गया है कि जो धन है वो बचे, पैसा बचे, खर्च ना हो फिलहाल, क्योंकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत फिलहाल कोरोना काल में नहीं है। कोरोना से बचने और कोरोना से लड़ने में इस धन का उपयोग हो, यही मकसद है। इससे पहले कई सारे भत्ते हमेशा के लिए हटा दिए गए थे, विरोध भी इस पर राज्य कर्मचारियों ने जताया था, क्योंकि लाखों की आबादी इससे प्रभावित हुई है। और इस बीच में एक और शासनादेश वित्त विभाग की तरफ से, अपना खर्च घटाने के लिए यूपी की योगी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। लॉकडाउन के चक्कर में सरकार की आमदनी बहुत कम हो गई है। इस संकट से पार पाने के लिए इस साल कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी, कोई नई भर्ती भी ना करने का फैसला लिया गया है। ये भी तय हुआ है कि कोई नया निर्माण कार्य शुरू ना किया जाए। जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो तब तक नई योजना शुरू करने से बचा जाए। हालांकि तकलीफ उन लोगों को ज़रूर होगी जो सरकारी भर्ती की आस में थे या जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया था और इंतज़ार ज्वाइनिंग का कर रहे थे, उनके लिए ये कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है, क्योंकि लंबे समय से वो इस उम्मीद में थे कि अब तो उनकी सरकारी नौकरी पक्की हो गई, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी आशाओं पर फिलहाल पानी फिरा है। वैसे में सरकार को ये भी क्लियर करना चाहिए कि जिन लोगों की ज्वाइनिंग होनी थी वो आगे होगी या नहीं, क्योंकि फिलहाल इस पर रोक है। तो आगे क्या इस पर होगा, क्या जो एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं और उनको बस ज्वाइनिंग करनी थी और लॉकडाउन की वजह से ज्वाइनिंग नहीं कर पाए, उनके लिए क्या होगा। तो सरकारी खर्चे में कटौती की गई, मकसद एक ही है कि पैसा व्यर्थ में खर्च ना हो, उसका सदुपयोग हो सके। अब तक जो भी सरकारी काम बड़े बड़े होटलों में होते थे अभी फिलहाल नहीं होंगे। जो भी बैठक होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कुछ गैर ज़रूरी भत्ते जो सरकार को लगता है कि इस वक्त उपयोगी नहीं है वो फिलहाल हटा दिए गए हैं।